जिला मुख्यालय शाजापुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर रेलवे अंडर ब्रिज ग्राम खेड़ा बमौरी पड़ता है, जो ग्रामीणों के आने जाने वाला एकमात्र रास्ता है। जिला मुख्यालय से लगा होने के कारण यहां के किसान रोज दूध, सब्जियां और अन्य कामों के चलते रोज आवाजाही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य कर्मचारी नहीं जा रहे, रोज रोज पटवारी, शिक्षक, सरपंच, सचिव और अन्य कर्मचारी सब इस रेलवे अंडर ब्रिज से गुजरते हैं और यहां पर समस्या का सामना करते हैं। शहर की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता होने की वजह से दूर दराज से आने वाले ग्रामीण मजदूर, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, स्कूल वाहन और छोटे वाहन सब इस रास्ते से ही गुजरते हैं। प्रशासन द्वारा न तो अंडर ब्रिज का पानी खाली करवाया जाता है और न ही कोई मौके पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है। कई बार लोग इस अंडर ब्रिज के पानी में जाते हैं और उनके कपड़े और सामान खराब हो जाते हैं। कई बार वाहन चालकों के वाहन में टूट फूट हो जाती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। समस्या नहीं आपको यार, वो गड्ढा बुड़वाना है यार, वो गाड़ी टूट रही है, रोज पड़ रही है, और इसमें ब्रिज में इसमें भी पानी में गाड़ी बंद हो रही है, रोज बंद हो गई। अच्छा सर, मुकेश कुमार मालवी है, और आपको आपके ग्रामीण इलाके में जाना में क्या परेशानी आ रही है? देखिए ना, पानी कितना भरा हुआ, कहाँ से जाएं, ऊपर कोई रास्ता जाने का नहीं है, ये ही रास्ता है जिसमें पानी गाड़ी आ जाती, डूब जाती है। इसके अलावा आप शासन से क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि अंडर ब्रिज में से पानी निकालने की व्यवस्था करें, इतना नीचे है कोई कुआं गड्ढा कुछ खोद के व्यवस्था करें, पानी की ट्यूबवेल वगैरह लगवाएं ताकि पानी निकासी हो, जाने में किसी को परेशानी ना हो। जाने का एक ही मार्ग है, बमोरी मार्ग है, इधर पिंदोनिया है, खेड़ा है, सबको परेशान। शाजापुर से राजेश सिसनूरिया की रिपोर्ट।